पर अगर खुल के आप देख रहे हैं कि आज यहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ पर पाँच छः तो गाड़ियाँ बैठ गई, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर और कई गाड़ियाँ दब चुकी है और एक नई क्रेटा है। और लोगों में यहाँ पर दहशत का माहौल है। मैं प्रशासन की टीम से निवेदन करूँगा कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर रेस्क्यू के लिए पहुँचे, क्योंकि लोगों में दहशत का माहौल है। दो तीन घर भी हैं और हमारी जो युवा साथी हैं वो लगातार यहाँ पर तैयार हैं और जुटे हुए हैं। जब तक प्रशासन की टीम नहीं आती तब तक हम लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। लेकिन प्रशासन की टीम यहाँ पर जल्दी से जल्दी पहुँच कर लोगों को जो का माहौल बना हुआ है उसके पास है और देख सकते हैं हेवल घाटी पूरी पर है। दोस्तों यहाँ पर बहुत हुआ है, हम देख सकते हैं उस पार भी घाटी से खबर मिली है जो हमने आंखों देखी है। पांच छह कारें यहाँ पर की हैं, मेरी खुद की भी स्थिति थी वो भी बह गई और कुछ और लोग भी हैं जिनका नुकसान हुआ है। लोगों के पहले यहाँ पर तीन चार घरों को भारी नुकसान हुआ है यहाँ पर और गांव के जो काफ़ी जो चौदह की जैसी आपदा आई थी उस जैसे हालात यहाँ पर और सरकार से भी निवेदन करूँगा कि बालाघाट की सहयोग के लिए जल्दी से जल्दी आगे आना चाहिए। उसके साथ में एक बात भी समस्त क्षेत्रवासियों की ओर से बात बनाता हूँ कि यहाँ पर किसी टीम को जल्दी से जल्दी और तब तक हमारे साथी हैं यहाँ पर, हम अपने स्तर पर लगातार प्रयास कर रहे हैं। जहाँ जहाँ घटनाएँ घटी हैं, नुकसान हुआ है,